हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको आलू बंडा या आलू गुंडा डिफरेंट डिफरेंट नाम से लोग इसे बुलाते हैं, हम आपको बनाना बता रहे हैं जिनके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। आलू बॉईल करके हमने मैश करके रखा है, कोरिएंडर महीन काट के और हरी मिर्ची और अदरक कद्दूकस करके, एक छोटी चम्मच हमने जीरा लिया है, हरी मटर ली है, थोड़े से काजू और किशमिश लिए हैं, काजू का हमने टुकड़े कर लिए हैं, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, आमचूर पाउडर एक छोटा चम्मच लिया है, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। आइए हम उसकी स्टफिंग बना लेते हैं। हमने कढ़ाई ली है और हमने 2 टेबल स्पून तेल को गरम कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें जीरा डालेंगे, अदरक हमने जो कद्दूकस करके रखी उसे भी डाल देते हैं, चला लेते हैं, हरी मिर्च डाल देते हैं, काजू किशमिश भी डाल देते हैं, मटर डाल देंगे, 1 मिनट तक चला लेते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें पोटैटो डालते हैं, मैश करके रखे थे। मिक्स करने के बाद हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच नमक डाल देते हैं, नमक स्वाद के अनुसार ले लेंगे, हरा धनिया जो काट के रखा था हमने, अब अच्छे से सबको मिक्स कर देंगे। स्टफिंग तैयार हो गई है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। बैटर तैयार कर लेते हैं, उसके लिए हम लेंगे बेसन, उसमें हम डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी पाउडर, और हम अजवाइन डालेंगे, थोड़ा सा इसे रगड़ देंगे फिर डाल, मिक्स करके इसका हम बैटर तैयार करेंगे। स्टफिंग ठंडी हो गई है, अब हम इसको ऐसे गोले बना लेते हैं। गोले बनाने में कैसे रख ले, आइए अब हम आलू बंडा बनाना शुरू करते हैं। हमारे बॉल भी तैयार है, स्टफिंग और हमारा बैटर भी तैयार है। ऐसे बॉल लेके स्टफिंग की ऐसे डीप करेंगे और डाल, अच्छे से लाल हो गए हैं, अब हम इसे पेपर नैपकिन पे निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी बने आलू बंडा, आप भी घर में बनाएं और बरसात के मौसम में एंजॉय करें। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, आप भी बनाइए और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।